अज असी इत्थे नायक मनिंदर जी की साल तीसरी बरसी ते इत्थे उन्हां नूं श्रद्धां दे सुमन भेंट करन वास्ते पहुंचे हाँ। साढ़े देश दे सैनिक साडा मान हन और अज असी अपने घरां विच आराम दी नींद सौने हाँ सिर्फ उन्हां दीआं देश दीआं सरहदां ते क्योंकि वह साडी राखी लई बैठे हुए हैं और उन्होंने परिवार की तीसरी बरसी ते उन्होंने परिवार नाल दुख सांझा करन मैं अज पहुंची हाँ और परमात्मा अगे अरदास करती हाँ कि परिवार को इस दुख चो बाहर कढ़न और हमेशा उन्होंने सिर ते मेहर भरिया हाथ रखन। इन्ना ही कहते हैं कैबिनेट मंत्री सरदार हरभजन सिंह वालों भी उन्होंने श्रद्धा के फुल भेंट कर। जय हिंद सभी देशवासियों, बस मैं आज इतना ही कह रही हूँ कि हम इसलिए हैं क्योंकि इन्होंने कहीं शहादत दी है। आज मेरा परिवार सुखी है, खेल रहा है, मैं उनके साथ त्यौहार मनाती हूँ क्योंकि इन्होंने अपने त्यौहार नहीं कभी मनाए, इनके परिवारों ने इनके साथ कोई त्यौहार नहीं मनाया। सरहदें महफूज है तो ही तो हम सरहदों के अंदर खेलते हैं, कोई जाके सरहदों पर खेल के दिखाए बिना इनके कोई सरहद के अंदर भी नहीं खेल सकता। हमारे फौजी हैं, हमारी देश की सीमाएं सुरक्षित है तभी हम सुरक्षित हैं। हमेशा एक ही बात याद रखें, सुबह उठ के इनके नाम का एक नमन ज़रूर करें और इन्हें हमेशा याद करें। भगवान को तो हमने कभी देखा नहीं पर इनको हमने देखा है जिन्होंने ज़मीन पे हमें सुरक्षित रखा है। जय आओ झुककर सलाम करें उन्हें जिनके हिस्से में ये मुकाम आता है। कितने खुशनसीब हैं वो लोग जिनका लहू वतन के काम आता है, जिनका लहू वतन के काम आता है। आज भारतीय सेना के 3 पंजाब रेजिमेंट के शौर्य वीर अमर शहीद नायक मनिंदर सिंह जी का तीसरा बलिदान दिवस राजा सांसी अमृतसर में उनके निवास स्थान पर आयोजित किया गया। नायक मनिंदर सिंह एक बहादुर योद्धा थे जिन्होंने आज से 3 वर्ष पहले जम्मू कश्मीर के सबसे ऊंचे दुर्गम हिम क्षेत्र हिमखंड ग्लेशियर में अपनी ड्यूटी को तनदेही से निभाते हुए अपने साथी सैनिकों को बचाते हुए उस एवलांच में अपना बलिदान दे दिया। वतन पर कुर्बान होने का जज्बा मनिंदर को पारिवारिक संस्कारों से मिला क्योंकि शहीद नायक मनिंदर सिंह जी के पिता नायक सुखदेव सिंह जो 1992 में दुश्मन से लोहा लेते हुए वीरगति को प्राप्त हो गए थे और शहादतों की उसी परंपरा को कायम रखते हुए मनिंदर ने भी अपना बलिदान देकर अपना नाम शहीदों की श्रेणी में स्वर्ण अक्षरों में अंकित करवा लिया। आज सारा देश इनके बलिदान के समक्ष नतमस्तक है। देश की भावी पीढ़ी को चाहिए कि ऐसे वीर योद्धाओं को, ऐसे अमर वीरों को अपना रोल मॉडल माने क्योंकि ये हैं तो देश है। सरहद पर खड़ा सैनिक जागता है तभी देश चैन से सोता है। कठिन से कठिन परिस्थितियों में अपनी ड्यूटी को निभाते हुए एक सैनिक कभी सरकारों से प्रशासन से कोई शिकायत नहीं करता क्योंकि एक सैनिक के लिए सबसे पहले उसका देश, उसकी यूनिट, उसके जवान और आखिर में उसका अपना परिवार आता है। सो ऐसे शूरवीर देश की भावी पीढ़ी के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। आओ प्रण करें कि जो क्षमा इन शहीदों ने प्रज्वलित करी वो क्षमा कभी बुझने ना पाए। सभी मिलकर अपनी देशभक्ति का, अपने भाईचारे का तेल उसमें डालते रहें और जो लो है वो इसी तरह प्रज्वलित रहे और सभी मिलकर इन शहीदों के पदचिन्हों पर चलते हुए इनके सपनों की सोच पर पहरा देकर राष्ट्र निर्माण में अपना बहुमूल्य योगदान दें। जय हिंद इन शहीद।